बाकी लोड गए ये तो करो पकड़ आया रणी खत्म थी गए हवेलिया ढह गए सारा पानी मेरे बाल लुटता मेरा ऊपर पकड़ आया अजय से कुछ और हुई क्या नहीं आया कल तो जल्ले नए एमपी पी हूं मेरे 11 बावी आले आए रोड रोड आके वाला वापसी ढह गए। नाजरीन, हम एक ऐसे देश के पासी हैं कि जहां आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहां एक आम आदमी ना आसानी से मर सकता है और ना ही उसे जीने का सामान मयसर है। वबाई अमराज की सूरत में आवाम ही तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। सरकारी अस्पतालों में आवाम ही इलाज न मिलने के सबब एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल मंशा फरीदी ऑफिशियल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। हालिया शदीद बारिशों के बायस चोटी ज़रीन ज़िला डेरा गाज़ी खान के मवाज़ियात चक जलोहर, चक कामा और चक बखर में रोद कोई पहाड़ी नदी मिठामन के शदीद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिससे मकानात भी मुनहदम हुए और मवेशी भी सैलाब बुर्द हो गए। इलाका मकीनों ने तासुरात देते हुए कहा कि उनके मवेशी सैलाबी रेले की नज़र हो गए, उनके बच्चे को सैलाबी रेला बहा कर ले जा रहा था, पर वक्त पता चलने पर बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। कोई भी इमदाद के लिए नहीं आया। रेस्क्यू 11-22 वाले सर रोड तक आए, वो भी वापस चले गए। अब्दुल गफार मलगानी ने कहा कि इमदादी टीमें ताहाल किसी भी इमदाद के लिए नहीं पहुंची। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। चार बकेट से बाकी लोड गए ये बस करो पकड़ आया रणी खत्म थी गए हवेलिया ढह गए सारा पानी मेरा बाल लुटता मेरा ऊपर पकड़ आया अजय से कुछ और हुई क्या नहीं आया कल तो जल्ले नए एमपी पी हूं मेरे 11 बावी आले आए रोड रोड आके वाला वापसी ढह गए ना तल्ले लखें तो ना कहीं के पूछे नहीं।